दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक और टॉपिक जो है कवर करके लाए हैं कि क्या है ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग के बारे में आपको काफ़ी यूट्यूबर्स जो है डिटेल से बताते हैं कि क्या है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। तो मैं भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्लियर करूंगा आपका डाउट्स के ब्लॉगिंग क्या है और इस पर काम किए कैसे किया जा सकता है। ब्लॉगिंग इज़ द बेस्ट या यूट्यूब इज़ द बेस्ट, दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हम आपके इस वीडियो में डाउट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग के मायने हैं वेबसाइट क्रिएट करना, ब्लॉगर उसी को कहते हैं, उसे ही ब्लॉगिंग करना कहते हैं। आप जैसे यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाते हैं, उसी तरह आप गूगल पर अपना एक वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन जो है सबसे पहले परचेस करना होता है, कुछ खर्चा करना होता है वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन यूट्यूब में है दोस्तों, यूट्यूब में आपने फ्री काम करना होता है और फ्री ही जो है आप आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डोमेन परचेस करना होता है, आगे भी आपको काम करना होता है। और अगर आपको बात आए कि ब्लॉगिंग सही है या यूट्यूब, तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब इज़ द बेस्ट और ब्लॉगिंग इज़ द बेस्ट, दोनों अपनी जगह सही है। यूट्यूब पर आप फ्री काम कर सकते हैं और ब्लॉगिंग पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन परचेस करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब शुरू कीजिए। यूट्यूब पर आप कई हद तक पहुँच जाए, फिर अपना एक वेबसाइट बनाएँ। वेबसाइट बनाने के बाद आप अच्छा खासा काम करें, और अगर आप रेवेन्यू की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो ब्लॉगिंग से जो फ़ायदा होगा वो किसी और चीज़ से नहीं होगा। यूट्यूब से अगर आपको एक महीने की हो रही है, तो ब्लॉगिंग से आपको 5 गुना से ज़्यादा होगी, यूट्यूब की अर्निंग से ज़्यादा होगी 5 गुना। तो ब्लॉगिंग में एक ख़ासियत ये भी है, और यहाँ पर हार्ड वर्क लेके चलना होता है ब्लॉगिंग में। ठीक हो गया दोस्तों, जैसे गूगल पर आप वेबसाइट बनाना है, तो अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से बना दूंगा कि कैसे डोमेन परचेस कर सकते हैं, कैसे आपने एक वेबसाइट बनाते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल से दूंगा। आप ऑनलाइन काम की तरफ बढ़े, आगे का दौर ऑनलाइन में आने वाला है। जब 5G आएगा तो क्या होगा आपको दोस्तों? तो यही बता रहा हूँ कि कुछ सीखे, ऑनलाइन काम पर आप आए, सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप भी ऑनलाइन हो जाएं। मैं आपको यही तक बताना चाहता था, और आगे आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।